हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभम लर्निंग पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में टाइप्स ऑफ बेल ट्रैप्स के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ बेल ट्रैप्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सात तरीके की होती हैं। पहली हमारी आती है ओपन बेल्ट ड्राइव। दूसरे नंबर पर आती है हमारी क्रॉस बेल्ट ड्राइव। थर्ड आती है हमारी एंगुलर ड्राइव। फोर्थ आती है हमारी बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुली। फिफ्थ आती है हमारी स्टेप्ड पुली ड्राइव। सिक्स्थ आती है हमारी फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव। सेवंथ आती है हमारी कंपाउंड ड्राइव। अब मैं आपको इसके डायग्राम और इसका यूज बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहली हमारी ओपन बेल्ट ड्राइव, अब मैं इसका डायग्राम बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। ये डायग्राम फ्रेंड्स हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव का, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हमारी दो शाफ्ट होती हैं, एक इस वाली ड्रिप पुली से कनेक्ट होती है और एक इस वाली पुली से कनेक्ट होती है। और दोनों ही शाफ्ट कैसी लगी होती है हमारी, पैरेलल अरेंज होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। और जो ये पुली है वो क्या है हमारी, एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगी। ये वाली इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो ये वाली भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ड्राइवर पुली हमारी मोटर के साथ कनेक्ट होती है और ड्राइवर वाली हमारी ये इसकी बेल्ट की हेल्प से रोटेट करती है। अब फ्रेंड्स, ये जो टाइट साइड है इसमें क्या होता है, हमारा टॉयरिजन ज़्यादा होगा तब तो हमारी ये टाइट साइड होगी, और स्लैक साइड वो होती है जिसमें हमारा टॉयरिजन कम होगा। और ये वहाँ यूज की जाती है जहाँ दोनों पुली के बीच का वो कितना डिस्टेंस कितना हो, 8 मीटर का हो। ये अगर हम इनका यूज अगर ज़्यादा दूरी पे करेंगे तो क्या होगी, हमारी बेल्ट वो हमारी क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, और जब हमारा डिस्टेंस अगर कम होएगा तो ये बेल्ट स्लिप भी करती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे सेकंड की। सेकंड हमारा क्रॉस बेल्ट ड्राइव। अब इसके यूज और क्या इसमें क्या होता है वो बताऊंगा। इसमें भी हमारी दो शाफ्ट होती हैं, वो भी पैरेलल लगी होती हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो रोटेशन है इसका पुली का वो क्या हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो बेल्ट है हमारी ये क्या हमारी क्रॉस सेक्शन में है। तो इसका ये क्रॉस बेल्ट का, ठीक है, डायग्राम है। तो ये हमारी बेल्ट कैसी हो रही है, क्रॉस सेक्शन में आ रही है। और जब ये क्रॉस सेक्शन में आती है तो ये बेल्ट में इसमें वियर एंड टियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसका बेल्ट जल्दी टूटने का डर रहता है। थर्ड है हमारा एंगुलर ड्राइव। ये फ्रेंड्स हमारा एंगुलर ड्राइव, इसमें क्या होता है हमारा जो हमारी पुली होती है उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है वो किससे कनेक्ट होती है, हमारी बेल्ट से कनेक्ट होती है। और किसी एंगल पे, ये दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री के एंगल पे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। ये होती है हमारी एंगुलर ड्राइव। नेक्स्ट है हमारा आइडलर विद बेल्ट ड्राइव विद आइडल पुली। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी एक आइडल पुली यूज कर दी जाती है और ये पुली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है। इससे क्या होता है हमारी, ये हमारी बेल्ट को प्रेस करती है, ड्राइवन बेल्ट को प्रेस करती है और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को भी बढ़ाती है, ठीक है, जिसके कारण बेल्ट कम स्लिप होती है। अगर ये चलेगी, ये भी घूमेगी तो इस इनके बीच में टाइट साइड बनी रहेगी तो क्या होगी, हमारी बेल्ट भी कम स्लिप होगी और बेल्ट की लाइफ भी इससे इंक्रीज होती है। और इसका यूज़ हम कम जगह में लार्ज वेलोसिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये थी हमारी बेल्ट ड्राइव विद आइडल पुली। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप पुली ड्राइव।
फ्रेंड्स ये हमारा डायग्राम है स्टेप पुली ड्राइव का। इसमें देख रहे हैं आप स्टेप वाइज लगी हुई है पुलीज इधर भी, और ये जो पहली वाली शाफ्ट है ये हमारी है ड्राइवन शाफ्ट, और ये हमारी है ड्राइवर शाफ्ट। इसका यूज फ्रेंड्स हम चेंज करने में करते हैं, चेंज करते हैं एंगुलर स्पीड। जब हम ड्राइवर शाफ्ट की एंगुलर स्पीड चेंज कर देंगे तो हमारी जो ड्राइवर शाफ्ट की एंगुलर स्पीड है वो क्या हमारी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा फास्ट एंड लूज पुली। फ्रेंड्स ये हमारी फास्ट एंड लूज पुली का डायग्राम, और ये जो फ्रेंड्स ऊपर वाली शाफ्ट है वो हमारी है ड्राइवर शाफ्ट। इसमें क्या हमारा दो पुली लगी हुई है, एक पुली हमारी फास्ट पुली है और दूसरी हमारी लूज पुली। लूज पुली हमारी फ्रीली मूव करेगी और फास्ट पुली हमारी ये की के साथ मतलब शाफ्ट में कनेक्ट रहेगी, और नीचे ड्राइवर शाफ्ट में हमारी एक ही पुली रहती है। फ्रेंड्स जब हम इसको मूव करेंगे तो ये हमारी जो बेल्ट है लीवर की हेल्प से अगर हम ड्राइवर शाफ्ट को रोटेट करेंगे और या फिर हम रोकेंगे तो क्या होगी, जब रोकेंगे तो हमारी ये वाली बेल्ट क्या हमारी लूज पुली पे चली जाएगी, जिससे हम लीवर की हेल्प से लूज पुली पे चली जाएगी, ताकि फिर ये हमारी ये जो फास्ट पुली है वो क्या हमारी फ्रीली मूव करेगी। ठीक है फ्रेंड, इसका ये यूज। ये हमारा लास्ट कंपाउंड ड्राइव। फ्रेंड्स ये हमारा कंपाउंड ड्राइव का डायग्राम, हमारी ये हमारी ड्राइवर पुली और ये हमारी पुलीज हैं जो कि ड्राइवर पुली को और कनेक्ट करती है, इस तरीके से कुछ कनेक्ट होती हैं। और ये हमारी जब यूज़ करी जाती है जब हमें बहुत ज़्यादा लार्ज वेलोसिटी रेशियो चाहिए हो, ठीक है बहुत ज़्यादा चाहिए हो, तब हमें ये कंपाउंड ड्राइव यूज़ करते हैं। इसमें हमारी पहली ये ड्राइवर ये पुली है ये हमारी मोटर से कनेक्ट होगी, जब ये रोटेट करेगी तो ये बड़ी वाली पुली रोटेट करेगी, बड़ी वाली पुली से ये छोटी वाली पुली कनेक्ट है, जब छोटी वाली पुली रोटेट करेगी तो ये वाली रोटेट होगी। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट, ये ऐसे ये इस तरीके से वर्किंग करती है।